वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस। आज का जो ये सत्संग है ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो निखिल जी हैं वो हमारे फाउंडर हैं और उनकी उपस्थिति आज हमारे बीच है, और ये भगवान का बहुत सौभाग्य है कि आज उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। और हम जो भगवद गीता की जो रीडिंग कंप्लीट की है हमने, आज उसको एक उत्सव की भांति हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये सबका थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने समय निकाला और जो इस ग्रुप में आए हैं। मैं उन सारे सीनियर डिवोटीज का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने अपना एक समय बनाया और यहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी निखिल जी का जिन्होंने स्पेशली हमारे लिए समय निकाला है और हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनके द्वारा हमने ये ज्ञान लिया है और जिनसे हमने इतना कुछ सीखा है, आज उनका हम सम्मान करते हैं और उनको प्लीज अपनी बात कहने का मौका देते हैं। मेरे पास वर्ड्स बहुत कम है लेकिन उनके पास वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्लीज निखिल जी, आप प्लीज आप आइए और सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने का मौका आपको हम प्रदान करते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति और आपकी प्रेजेंस जो होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है, क्योंकि आपको सुनने का मौका बहुत ही दुर्लभ होता है सुनने का मौका मिले। और जो नए डिवोटीज हैं उनके लिए तो बहुत आई थिंक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है आज, क्योंकि वो आपको आज सुन रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इन डिवोटीज ने जिन्होंने भगवद गीता की रीडिंग कंप्लीट की है उनको आई थिंक 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद आपको सुन रहे होंगे, और वो डिवोटीज बहुत जल्दी आपको सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय निकाला। हरे कृष्णा हरि बोल। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरी हरी बोल हरी हरी बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। तो नताशा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में जुड़े हुए सभी को लोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी जो एक भगवद गीता सिंप्लीफाइड की कोर्स की कंप्लीशन हुई है ये अपने आप में एक विशेष कृपा होती है। घर बैठे बैठे आप आनंद ले पाए उसका नताशा जी के साथ। आई एम श्योर बहुत 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 एंजॉय आपने किया होगा। और जो पहले आपकी भगवद गीता को लेके अंडरस्टैंडिंग थी और जब इस कोर्स की कर लिया होगा तो अब जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उसमें आई एम श्योर जमीन आसमान का फर्क पड़ा होगा। आपकी बहुत सारी गलत धारणाएं टूटी होंगी। आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे डिवोशन के लिए समय बनाते हैं। आप डिवोशन की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे कैसे प्रैक्टिकल लाइफ से डिवोशन का हर एक एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। क्यों हमारे को इनर पीस और हैप्पीनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान से जुड़े रहें। आई एम श्योर इस तरह की बातें आप सीख पाए होंगे और समझ पाए होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोलोक एक्सप्रेस में हमारा एक प्रयास रहता है कि जब भी हम एक फैमिली हैं तो हमारी फैमिली में कोई भी एक ब्यूटिफुल डिवाइन अचीवमेंट को अचीव करे तो हम रुक के उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो जो डिवोटीज हैं उनको बात करना का एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आती है उनकी बात सुनी जाती है तो एक आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन वो सीखते हैं उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जो होती है। नताशा जी क्या है आपका एक्सपीरियंस क्या पब्लिक स्पीकिंग मंच पे मैक्सिमम लोग करना आती है या मैक्सिमम लोग उससे डर जाते हैं बात रखना है अगर अपनी। से डरते हैं और बात ही नहीं रख पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो। इवन बहुत अच्छी पोजीशनिंग पे होते हैं लोग, बहुत अच्छी पोजीशन उन्होंने अचीव करी होती है लाइफ में, लेकिन जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आते हैं तो उनको एक अलग सा ही फियर लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा डर होता है। इनफैक्ट जैसे अभी नताश जी ने कहा कोई स्कूल की प्रिंसिपल भी हो सकते हैं वो टीचर्स डॉक्टर्स भी हो सकते हैं मतलब प्रोफेशनली कोई बहुत अच्छा भी ग्रो कर सकता है। बट जहां बात आती है पब्लिकली अपने विचारों को व्यक्त करना और खासकर डिवोशन से रिलेटेड ये मैक्सिमम लोगों के इसमें हाथ काम पांव जो है वो कांप जाते हैं। और बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल है ये टू वे इंटरक्टिव सत्संग है जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम डिवोटीज को सुने उससे जो मेंटर्स हैं एक तो हमें पता चल जाता है वो हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। नताशा जी जब आपको सुनेंगे तो उनको पता चलेगा क्या सीखा आपने तो वो एक सैलरी हो जाती है नताशा जी के लिए। अच्छा चलो मैं जो कुछ मेहनत कर रही थी कुछ रंग लाई है यानी कि है ना। तो मेंटर्स फील रिवॉर्डेड।
आपकी प्रोग्रेस चेक हो जाती है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और तीसरा जब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ जाएगा ना, तो हमने ये देखा है कि फिर जो आपकी नॉर्मल सोसाइटी है, नॉर्मल लाइफ है, उसमें तो आप बड़े आराम से भगवान की बातें इतनी सरलता से बांट रहे होंगे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो हम गोलक एक्सप्रेस में चाहते हैं कि आप वॉकिंग प्रीचिंग सेंटर बन जाए, मतलब आप गोलक एक्सप्रेस का कोई भी रोटी कहीं भी चल रहा हो, वो भगवान की बातें इतनी सरलता से लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, तभी तो घर घर मंदिर हर मन मंदिर बनेगा। तो नताशा जी ने मुझे ये भी कहा था कि थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी बताऊं आपको, तो हल्का सा मैं क्वेश्चन शेयर कर। हाँ जी, हरी बोल जी, और उसको म्यूट रखें प्लीज। हरे कृष्ण। कई बार डिवोटीज जो नए जुड़े हैं उनको आइडिया नहीं है कि गोलोक एक्सप्रेस कैसे बना था। टॉपिक बहुत लंबा है, बट मैं क्विकली पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, मैं चंबा में बड़ा हूँ, मेरे दो ब्रदर्स हैं, मैं मिडिल वाले में सन हूँ, और मैं मेरे बड़े भाई नितिन जी चंबा में रहते हैं, वो एडवोकेट है, और निमिष जी जो है वो भी एडवोकेट है, शिमला में रहते हैं। तो मैंने 16 ईयर्स की एज में चंडीगढ़ चला गया था पढ़ाई करने। उसके बाद मैंने डेंटिस्ट्री की मणिपाल से। तो जैसे ना, हमने घरों में यही देखा था कि लेडीज का काम होता है डिवोशन वगैरह करना, हमें ये लगता था कि ये डिवोशन हमारे लिए नहीं होती, ये मेल्स के लिए नहीं होती, ये फीमेल्स के लिए होती है, ऐसा लगता था मुझे। ये हमने ऐसे ही देखा था अपने घरों में। घरों मेल्स ठीक है, अच्छे काम करो, कभी गरीब का भला कर दो, वैसे ही सोच थी। और डिवोशन से आज सच कोई लेना देना नहीं था हमारे घरों में, बस हमने दादी जी को, मम्मा वगैरह को देखा था माला वगैरह करते हुए। तो वही मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस होते हैं, उसके पीछे मैं भाग रहा था हैप्पीनेस की खोज में। तो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैंने डेंटिस्ट्री भी की, लेकिन लगा नहीं इसमें तो मजा नहीं आ रहा, कुछ और कर लेता हूँ। फिर मैं फॉरेन चला गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया 2006 में। यहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करना शुरू कर दी, सोशल वर्क की पढ़ाई करना शुरू की, कोर्स भी चेंज कर लिया। मुझे लगा शायद डिग्री चेंज करूंगा तो अच्छा लगेगा, कंट्री चेंज कर लूंगा तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, है ना, बट वो हैप्पीनेस मिलती नहीं थी। और इनफैक्ट जब मैं यहाँ आया तो एक्सीडेंट हो गया, काफी मेजर कार क्रैश हो गया मेरा, तो सडनली लाइफ सारी चेंज हो गई। जहाँ मैं हैप्पीनेस खोजने आया था, वहां तो डिप्रेशन मिल रही है, बिकॉज आप समझ ही सकते हो, आप एक फॉरेन कंट्री में हो, अकेले हो, आपकी फैमिली से कोई नहीं है, और फाइनेंशियली भी आप इतना स्ट्रांग नहीं होते जब स्टार्ट में आते हो तो, और आप प्लस आप हेल्थ वाइज भी खत्म, आपकी हेल्थ भी खत्म हो जाती है। तो वहां से मुझे एक झटका लगा जिसने मुझे लाइफ के बारे में सच में सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या जिंदगी यही होती है, क्या जो मैं लाइफ में पाना चाहता था। अब जब मेरी हेल्थ चली गई तो मुझे वो जो गोल्स थे मेरे, बड़ी कार या बड़ा घर, मुझे ना बहुत बेकार सी बातें लगना शुरू हो गई। मुझे लगा कि मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा था, जो मेरे पास हेल्थ थी मैंने उसको तो वैल्यू किया ही नहीं। जब आप हेल्थ लूज करते हो ना अपनी, तब आप रियलाइज करते हो कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ, है ना। तब मेरी डेफिनेशन हेल्थ की फिजिकल लेवल पे ही होती थी, बट मुझे ये समझ आ गया कि यार सब कुछ जो था मेरे पास उसको तो मैंने कभी इंजॉय किया नहीं, और जो मेरे पास नहीं था मैं उसके लिए भाग रहा था, और आज देखो मेरा जो जो मेरे पास था भी वो भी मैंने लूज कर दिया। वहां से मैंने प्रेयर्स करना शुरू की थी कि कोई कोई अगर भगवान है तो मेरी हेल्प करो, है ना, और मैं आपके साथ भगवान से जुड़ूंगा, ऐसा सोचना शुरू कर दिया मैंने। जब आप टूट जाते हो ना बहुत लाइफ में, तो मूवीज में भी दिखाते हैं ना, जब जाते हैं रिलेटिव्स को दिखाने के लिए, डॉक्टर बोलते हैं भैया आप कुछ नहीं हो सकता, आप भगवान ही बचा सकते हैं, तो फिर जो हीरो है वो कहाँ पहुंचता है अगले सीन में, है ना, हीरो कहाँ पहुंचता है, मंदिर में पहुंचता है, राइट। तो वैसे ही क्या होता है कि हमारे साथ भी जिंदगी में जब हम फंस जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, फंस गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो लगा कुछ भगवान वगैरह होंगे शायद, प्रार्थना करो क्या पता कुछ हो जाए। और प्रार्थना करने से ये हुआ कि मेरी हेल्थ ठीक हो गई बहुत जल्दी, एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे मैं हेल्दी हो गया, और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए, मैं भी हैरान हो गया, और मेरे फ्रेंड्स भी हैरान हो गए। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि कोई पावर तो है, जिसको ना तो हम समझते हैं ना हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई पावर एग्जिस्ट करती है। तो 2000 कह सकते हो आप, 7-8 ऑनवर्ड्स मेरा जो विश्वास है भगवान में बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, बीच में डिप्रेशन भी हो गई अलग तरह से, बिकॉज पहले तो फिजिकल हेल्थ खराब हुई थी, फिर फाइनेंशियली भी ब्रेकडाउन हो गया, बिकॉज फॉरेन कंट्री में होते हो, एक्सीडेंट हो जाए, जॉब्स भी मैनेज करनी है, 3-4 मंथ्स बेसिकली मुझे बेड रेस्ट हो गया, तो इनकम वाइज भी मैं पुअर हो गया, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ गया फाइनेंशली, जबकि उनको मैं बोल के आया था कि मैं खुद करूंगा सब कुछ। तो बेसिकली जैसे द्रौपदी का चीरहरण होता है ना, फिर उसको भगवान की याद आती है, वैसे ही मैं फील कर रहा था कि एकदम टूट गया मैं लाइफ में। और वहां से प्रेयर्स की तो ये विश्वास तो हो गया कोई पावर एग्जिस्ट करती है। फिर कैसे
किसी न किसी के थ्रू मुझे पता चला भागवत गीता पढ़नी चाहिए, यहाँ पे मंदिर है, मैं भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दी, हरि नाम करना शुरू किया। 2009 में शुरू किया मैंने, एक्चुअली 2009 में। वहां से बेसिकली फटाफट टर्न आ गया, बिकॉज जैसे ही मैंने भागवत गीता पढ़ी मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना शुरू हो गए, और मुझे रियली जो एक हैप्पीनेस में खोज रहा था वो मिलना शुरू हो गई। मुझे हरि नाम करना शुरू किया तो मेरी बहुत सारी बुरी आदतें थी वो छूटना शुरू हो गई, है ना, जैसे लड़कों को पड़ जाती है आपको पता ही है कॉमन हैबिट्स हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग एक्स वाई जेड, तो उन हैबिट्स में पड़ गया था मैं, वो सब छूटना शुरू हो गई। तो 3-4 महीने मुझे लगे यार मुझे ये इतना विश्वास हो गया इस रास्ते पे कि मैंने यही तो है, क्योंकि लाइफ के सारे क्वेश्चन के मुझे आंसर्स मिल रहे थे, हैप्पीनेस को मैं एक्सपीरियंस करना शुरू हो गया, कहाँ मैं डिप्रेस हो गया था और कहाँ मैं पॉजिटिव फील कर रहा था। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है, सब कुछ तो बताया गया है इसमें, हैप्पी कैसे रहना है, एंगर को कैसे मैनेज करना है, मैंने इतनी सारी पढ़ाई कर डाली, पर लाइफ में कभी किसी ने ये सब बातें तो बताई नहीं। तो मुझे एक स्ट्रांग डिजायर आई कि क्यों ना मैं अपनी ये बातें जो मैंने सीखी हैं और जिससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपने भाइयों को, अपनी कजन्स को, या अपनी भाभी को, जितने भी मेरे लव्ड वंस हैं उनके साथ शेयर करूं। तो मैं क्या करता था कि जैसे रात को जैसे लोग टीवी देखते हैं, उसकी जगह मैं अपने ब्रदर वगैरह को कॉल करके भागवत गीता की डिस्कशन शुरू कर दी मैंने, कि मैंने ये सीखा, मेरे साथ ऐसा हुआ। इनिशियल उनका इंटरेस्ट नहीं था, बाद में धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। पहले हम 1-to-1 कॉल करते थे, जैसे मान लीजिए मैं और मेरे बड़ा भाई या छोटा भाई, फिर धीरे धीरे हमने उस कॉल को 2-3 लोगों की कॉन्फ्रेंस में शुरू किया, और बड़ा मजा आना शुरू हो गया मुझे। मेरा मंदिर जाना धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि मंदिर जाने में और आने में 1.5-2 घंटे लग जाते थे, जबकि घर पे बैठ के आराम से फोन पे भागवत गीता के श्लोक डिस्कस कर लिए और मजा आ रहा था। और इनफैक्ट जब आप अपने माध्यम से 2-4 लोगों को बदलता हुआ देखते हो ना, आपको इतना जोश आ जाता है। तो मैं खुद तो बदल रहा था, लेकिन अब मेरे बड़े भाई में बदलाव आ गए, मेरे छोटे भाई में बदलाव आ गए, मेरी सिस्टर सबसे पहले जो जुड़े हुए थे मेरे साथ लोग, मेरी भाभी प्रीति भाभी, वो ऑलरेडी डिवोशन में थे बट उनमें भी बदलाव आए बहुत। और मेरी सिस्टर रूपाली जी जम्मू से, वो जुड़ गए, उनमें बहुत बदलाव आना शुरू हो गए। तो ये हम 3-4 लोगों से फिर वो मल्टीप्लाई होता रहा, कारवा है ना, वो कारवा मल्टीप्लाई होता गया। तो 2009 से 2014 तक सैकड़ों लोग जुड़ चुके थे, तब तक हम ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। 2014 में हमें लगा जब सैकड़ों लोग जुड़ ही गए हैं, वर्ल्ड में शायद इस तरह के मॉडल की एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जहां घर बैठे बैठे ही हम भागवत गीता का ज्ञान लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे। क्या पता अगर सैकड़ों लोगों की हेल्प हो रही है तो क्या पता हजारों की हो जाए, क्या पता लाखों की हो जाए। तो उस उद्देश्य से फिर हमने गोलक एक्सप्रेस को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर करवाया चंबा में, और 2015 में मेरे बड़ा भाई और फैमिली उनकी विजिट किया। तो हमने सोचा चलो ये बात तो उनकी वीडियोज बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम बातें कर रहे हैं, बट मान लो 4 लोगों से बात की तो वो 4 लोगों से जितनी देर बात कर रहे हो वो वही बातें रह जाती हैं। अगर हम शूटिंग कर लेंगे, वीडियोस बना लेंगे, तो क्या पता जब हम सो भी रहे हो तो कोई सुने और उसकी हेल्प हो जाए। और सच में वैसा ही हुआ, आज ये हो चुका है कि जब हम सो भी रहे होते हैं तो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से प्रचार हो रहा होता है। 2014-15 से मुझे ये समझ आना शुरू हो गया कि टेक्नोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर हम सेवा में लगाएंगे तो हम प्रचार प्रसार की गति जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मुझे प्रचार प्रसार करने में इतना ज्यादा आनंद आना शुरू हो गया था, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने बताया है चैप्टर 18 में कि जो मेरी भक्ति के ज्ञान को बांटेगा उसको मैं शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूँ और उसको मैं अपना धाम भी देता हूँ। तो मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया है, भगवान के शुद्ध भक्त भी बन जाओ, फेवरेट बन जाओ भगवान के, और साथ में भगवत धाम भी प्राप्त कर लो। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान तरीका, और वैसे भी मुझे लोगों से बातें करना बड़ा अच्छी लगती थी, कुछ किसी को समझना समझाना ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा नेचर कभी ऐसा नहीं था कि स्कूल में बच्चे होते हैं ना नोट्स बना दिए शेयर नहीं किए, मुझे हमेशा शेयर करना बहुत अच्छा लगता था। तो शेयरिंग का भाव था, तो भगवान की कृपा से इस रास्ते में तो वो परफेक्ट बैठ जाता है कि अगर आपने सीखा और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, और वही गोलक एक्सप्रेस का मॉडल बन गया, सीखो और सिखाओ। तो बाद में क्या होना शुरू हो गया कि मेरे दिल में ये भी स्ट्रांग डिजायर थी कि मुझे खुद सीख के इस तरह से सिखाना है कि जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी सिखाएं। तो हमारा एक प्रचारक ग्रुप बनता गया, नितिन भैया ने सीखा तो उन्होंने भी सिखाना शुरू कर दिया, निमेश ने सीखा मेरे छोटे भाई ने, उसने भी सिखाना शुरू कर दिया, प्रीति भाभी ने भी सिखाना शुरू कर दिया, रूपाली जी ने सिखाना शुरू कर दिया। इस तरह से कड़ियों में आगे नताशा जी जुड़ गए, जो हमारी फैमिली में ही आगे है ना। तो
उन्होंने भी आगे सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे ही जुड़ते जुड़ते कारवां बढ़ता गया और अब हमारा एक प्रचारक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 400 लोग हैं, जिसमें 100+ की तो बहुत सीनियर टीम हो गई है, जैसे जिनको आप कह सकते हो जो 4 या 5 साल से चल रहे हैं। इसमें से मैक्सिमम लोग अब पढ़ा रहे हैं भागवत गीता अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को, है ना। तो वो उस तरह से कारवां बढ़ता गया, फिर यूट्यूब वीडियोज आए, फिर पॉडकास्ट हुए, फिर टेलीग्राम आया, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो हमें लगना शुरू हो गया कि टेक्नोलॉजी में अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे तो उससे क्या होता है कि अब एडिक्शन तो हो ही रखी है लोगों को स्मार्टफोन्स की। किसी को बोलोगे कि दूर जाओ, वहां जाके फिर ध्यान लगाओ, तो मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। वेयर एज वही स्मार्टफोन्स हैं जो आप लोगों ने वैसे ही यूज करने हैं, तो मुझे लगा क्यों ना अब जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ में लोग स्मार्टफोन्स पे होते हैं, अगर स्मार्टफोन्स की यूजेस को डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन कर दिया जाए, यानी कि अगर स्मार्टफोन पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग उसकी जगह वो डिवोशन करना शुरू कर दें, तो फिर कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हमें लगा कि हम इतना डिवोशन को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाएंगे कि इतनी वैरायटी क्रिएट कर दो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स में कि किसी को भजन सुनने हैं तो चैंटन सिंह गोलोकिन पॉडकास्ट पे पहुंच जाए, किसी को भगवद गीता सुननी है तो वो पॉडकास्ट से भी सुन सकता है, वीडियो से भी सुन सकता है, किसी को दोहा का इंटरेस्ट है तो दोहा के वीडियोज डेवलप कर दो, रामायण में इंटरेस्ट है तो उस तरह के वीडियोज बन गए, किसी डिवोटीज की फीलिंग्स जाननी है तो उस तरह के वीडियोस बन गए। अभी रिसेंटली तो सत्संग के जो वीडियोस हैं वो भी यूट्यूब पे आना शुरू हो गए रिसेंटली, जैसे आज हम जो बात कर रहे हैं ये भी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में सत्संग जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। तो एक वैरायटी बन गई, क्योंकि वैरायटी होती है तो दिल लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो वैरायटी हो गई कि किसी को जिस तरह के भी वीडियोस पसंद है या पॉडकास्ट पसंद है उस तरह से वो अपनी डे टू डे लाइफ में चलते चलते अपनी डिवोशन को आगे बढ़ाए, है ना। तो इस तरह के आइडियाज थे और भगवान की कृपा उसमें मिलती रही। हमारी कोर फिलोसफीज है लव योर पाथ एंड रिस्पेक्ट अदर्स, हमें अपने रास्ते से प्यार जरूर करना है, बट जो संसार में लोग करते हैं कि दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं, हमें उससे बचना है, सबका सम्मान करना है ना। और टीचर ट्रेनिंग मॉडल है जहाँ हम सीख के इस तरह से सिखाना चाहते हैं कि लोग सीखें और फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में बांटें, है ना। और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस मॉडल को रखना चाहते थे, तो इसलिए यहाँ पे कोई ये नहीं बात की जाती कि आपने कोर्स कर लिया है आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा। ये मुझे लगता था जहाँ पैसे की ज्यादा बात आती है वहां लोग डर जाते हैं और फिर पीछे भाग जाते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रहता है कि चीजों को भगवान से जोड़ना, उसमें मोटिवेट करो, और जो मंत्र बॉक्स हैं, माला बैग्स हैं, जिससे भगवान से और लोग जुड़ सकते हैं जो एटलीस्ट हमारे साथ सत्संग में जुड़े हैं, वो चीज उनको एक एक प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो इस तरह की फिलोसफी एप्रिसिएशन मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि मैंने बचपन से पाया था कि हमें ना सब लोग कमियां देख के फटाफट ये तो बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर गलत क्या है, बट कभी कोई ये नहीं बताता कि आप अच्छा क्या कर रहे हो लाइफ में। ये बात मुझे बहुत हर्ट होती थी बचपन से, तो मैं ये चाहता था कि हमें कुछ ऐसा मॉडल डेवलप करना है कि जहाँ हर एक डिवोटी की कोई अच्छी क्वालिटी को देख के उसको सराहना मिले, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि जब एप्रिसिएशन होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कमियां किसमें नहीं होती, मेरे में भी करोड़ों हैं, आप में भी हैं, सब में हैं। अब हम करोड़ कमियों की हर समय बात करते रहेंगे तो फिर इंसान और दुखी है फिर और दुखी हो जाएगा। उसकी कोई 5 अच्छी क्वालिटीज के बारे में बात करोगे तो उसको शक्ति मिलती है कि उसके अंदर जो 10 बुरी क्वालिटीज हैं वो उससे भी लड़ पाता है। तो इसलिए अप्रिसिएशन मॉडल को गोलोक एक्सप्रेस में डेवलप किया गया। इसलिए आप पाएंगे यहाँ पे कि अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होती है, और आप वर्ल्डली लाइफ से जैसे आओगे तो आपको हैरानी होगी, यार यहाँ पे तो छोटी छोटी बात के लिए कोई एक दूसरे को कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ये हो क्या रहे हैं यहाँ पे, राइट। कुछ सात्विक गुण वही है, एक दूसरे की कमियां ना देखना, एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज को देख के उसको अप्रिशिएट करना, है ना। इससे विनम्रता भी आती है। तो हमारा सपना है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, और उसमें आप ऑलरेडी आहुतियां डाल रहे हो। पहली आपकी सेवा ये है कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो अच्छे से सीखो, क्योंकि विचार करोगे फिर आचरण में आएगा, तो प्रचार अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जब आप गहराई से बातों को सुनोगे, समझोगे, फिर ही अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन पाओगे, आप जीवन में सदाचार आएगा आपका। और जब आप पॉजिटिविटी कि चलते फिरते एजेंट बन जाओगे तो आप पॉजिटिविटी को डिवोशन को ही बांटोगे, है ना। तो विचार आचार प्रचार के मॉडल पे गोलोक एक्सप्रेस चल रहा है, और भगवत कृपा से हम ऐसे ही, देखिए कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, मेरी इंटेंशन बस इतनी थी कि मैं अपने भाई को या कजन्स को या जो अपने फ्रेंड्स हैं जो प्यार करते हो, जिनसे आप जुड़े हो, उनको ये गाइड कर दो, बस आप उतनी ही इंटेंशन थी। अब वो इंटेंशन जो है वो एक मैसिव रूप ले चुकी है भगवान की कृपा से, और वही चीज आपको करनी है।
ना, कि गोलक एक्सप्रेस में हर एक इंसान प्रचारक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बात करने का और समझाने का तरीका है वो वही है जो हमारा एवरेज डे टू डे लैंग्वेज में है। आपको कोई संस्कृत के श्लोक नहीं सीख लेने हैं, आप जैसे बात करते हो वैसे ही बातें करते करते कब आप डिवोशन के बारे में इंस्पायर कर रहे होगे लोगों को, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए, ये रिक्वेस्ट भी है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। नित्य निरंतर चलते रहना, यही हमारी फीस होती है कि आप चलते रहिए। अगर हम सत्संग करवाने में रेगुलर रह सकते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको सत्संग बस रेगुलरली सुनने होते हैं। अगर आपने ये कर लिया 2 साल के लिए भी कर दिया, तो आपकी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप चेहरे में अपने आप को शीशे में देखोगे ना, पहचान ही नहीं पाओगे। मुझे कई बार इतनी हैरानी होती है, नताशा जी आपको होती है हैरानी अपने आप को देख के या सोच के कि है मैं वही वाली नताशा हूँ, होती है हैरानी या नहीं होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल मुझे भी होती है, लोगों को भी ना होती है। बिल्कुल, हमें अभी तक भी, हम अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हम इतने बदल गए हैं, वही आपके साथ होने वाला है। बट इतना कमिटमेंट आपको गोलक एक्सप्रेस को देना पड़ेगा कि आपने रुक नहीं जाना है कि एक बार रीडिंग हो गई हमारी, हमें तो याद नहीं रहा हमने कितनी बार रीडिंग की और करवाई। नताशा जी को भी याद नहीं रहा होगा कितनी रीडिंग्स करवा चुके हैं हम, रुकना नहीं है। जैसे ऑक्सीजन दे रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो, वैसे एक भगवत गीता खत्म, रिफ्लेक्शन हुई, सेलिब्रेशन किए, आनंद लिया, फिर शुरू हो गए। रुकना नहीं, रुकते रहो, रुकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलते रहोगे तो फिर साधना बल भी बढ़ेगा, सेवा करने का भाव भी जागृत होगा, प्रैक्टिकल चेंजेस भी आएंगे लाइफ में। और चाहे लाइफ में जितनी बड़ी मुसीबतें आ जाए आपके, आप बहुत सरलता से भगवत कृपा से उससे लांग जाओगे। और सत्संग छोड़ोगे फिर क्या होता है, फिर आपकी डिवोशनल पावर घटती है, फिर आप संसारिक जीवन में उलझ जाते हो। इसलिए लर्निंग यही है। देखो मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की ये समझाने के लिए कि मैं एक बिल्कुल आम से इंसान हूं, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन प्योर होगी ना, सच्चे दिल से आप भगवान की सेवा करना चाहते हो, तो आपको दुनिया की कोई तो ताकत नहीं रोक सकती। अगर हमारा ये समाज गंदा है, नेगेटिव है, तो हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम लोग ये बातें करने में ही समय लगा रहे हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, उसने वैसे कर दिया, वहां बम फट गया, वहां रेप हो गया, वहां मर्डर हो गया, वहां ये हो गया। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते करते एक दिन मर जाएंगे सब लोग, ठीक है? समझदार लोग कौन है, सोल्यूशन क्या है? चलो प्रॉब्लम है, वर्ल्ड नेगेटिव है, तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्यों ना हम अपने आप से शुरुआत करें, हम तो पॉजिटिव हों। अगर आप पॉजिटिव हो जाओगे तो मदर के रोल में, फादर के रोल में आप पॉजिटिविटी बांटोगे, फिर आप डॉक्टर के रोल में, डेंटिस्ट के रोल में, वकील के रोल में, टीचर के रोल में पॉजिटिविटी बांटोगे, क्योंकि आप वही बांट सकते हो जो आपके अंदर है। अगर आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिविटी बांट सकते हो आप, नताशा जी बांट सकते हो आप? अगर आप नेगेटिव हो तो बिल्कुल पॉजिटिविटी बांट सकते हो? नहीं, दुखी इंसान क्या देगा किसी को, बिल्कुल नहीं बांट सकते। तो आपका वर्ल्ड वेलफेयर का पहला स्टेप है कि भगवान के साथ जुड़े रहिए और खुश रहना सीखिए, बस इतना सा करना है आपको, और खुशी से अपनी ड्यूटीज कीजिए। सिंपल, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने अपने रोल में कितनी ब्यूटीफुल सेवाएं करते जाओगे। मदर के रोल में बच्चों की परवरिश में संस्कार बढ़िया, उस तरह से भक्ति भाव, बड़ों की सेवा कर रहे हो उस तरह से भक्ति भाव में आगे बढ़ जाओगे। टीचर हो तो स्टूडेंट्स का कितना भला कर जाओगे, है ना? कुछ एकदम आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना है आपको। स्टेप 1, बस अपने आप को सुधारना है, भगवान से जुड़े रहना है, खुश रह के अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कीजिए, खूब सारे चमत्कार आप देखेंगे। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ। तो पहले तो नताशा जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर कोर्स में, कुछ फीलिंग्स आप भी शेयर करना चाहोगे? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। और हरी गोलक बोल। एक्सप्रेस की जर्नी को आपने भी क्लोजली देखा है, उस पर भी आप कुछ कह सकते हो, अगर पहले का समय कैसा था वो बता सकते हो सबको। हरी हरी बोल। बिल्कुल, पहले का समय ये था कि डिवोटी पढ़ने वाला एक होता, डिवोटी पढ़ने वाला एक होता था, पढ़ाने वाले 3 होते थे। ये समय भी हमने देखा है। हम गोलोक एक्सप्रेस में जब आए तो हमारी डिवोटी एसोसिएशन होती थी, तो डिवोटी एसोसिएशन में हम एक तरह के फ्रेंड्स ही बन गए थे। मैं और नितिका जी होते थे। नितिका जी जो निखिल भैया की कजन सिस्टर है, उन्होंने इनिशिएट किया था सबसे पहले गोलोक एक्सप्रेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का। तो वो होते थे और एक और हमारे डिवोटी होते थे, तो हम 3 जाने एक डिवोटी को पढ़ाते थे। और वो सुबह का सत्संग के समय होता था कि भैया ने हमें ड्यूटी दी थी कि तुम तीनों एक डिवोटी को मिलकर पढ़ाओगी। तो ये समय से आज इतना सुंदर समय है कि जो भैया का विजन था कि हर हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, उसको हम साकार होता हुआ दिख रहे हैं।
शाम का सत्संग होता है तो उसमें 500 डिवोटीज होते हैं, सुबह का सत्संग होता है उसमें 500 आवाज नहीं आ डिवोटीज रही। होते हैं। थोड़ा आवाज बीच में मेरी मत बोलिए, क्या? आज बिल्कुल आ रही है आवाज। कभी भी कुछ ऐसा हो नीचे लिखना है आपने, बीच में नहीं बोलना है ना। अपना इंटरनेट चेक कीजिए प्लीज। अपना चेक करिए एक बार इंटरनेट। हाँ जी, तो ये जो जर्नी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, और हमने इस जर्नी को जिया है। ये जो हर एक भगवत गीता की रीडिंग आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है, और मैंने जब भी भगवत गीता की एक रीडिंग की है ना कंप्लीट, तो मुझे भगवान की कृपा से कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट मिला है। और वो स्पेशल गिफ्ट मटेरियल नहीं होता, वो आपकी अनुभूतियां होती है, वो आपकी फीलिंग्स होती है। एक तो अनुभूति भी होती है, दूसरी मेरा हमेशा ही मैंने नोटिस किया कि जब भी मैंने भगवत गीता की रीडिंग की है ना, तो मुझे एक आध्यात्मिक जर्नी जरूर करने को मिली है। चाहे वो सबसे पहली जब मैंने भैया के पहले सबसे पहले मैंने प्रीति दीदी के माध्यम से की थी भगवत गीता की रीडिंग, तो मुझे तभी भी बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले थे भगवान की तरफ से, बहुत अच्छी अनुभूति हुई थी। उसके बाद जब मैंने भैया से करनी शुरू की ना, भैया से फर्स्ट रीडिंग की, तो मुझे वृंदावन जाने का, धाम जाने का मौका मिला। और जब भी मेरी रीडिंग कंप्लीट होती है तो हमें कहीं ना कहीं धाम जाने का मौका जरूर मिलता है। और मुझे लग रहा है ये वाली रीडिंग भी हुई है तो मेरे इन लॉज आ रहे हैं, तो हमारा फिर धाम जाने का प्रोग्राम बनेगा। तो इस तरह की जो दिव्य दिव्य अनुभूति है ना, आपको भी होंगी। आप सिंसेरिटी से जुड़े रहिए, लगातार करते रहिए मेहनत, क्योंकि आत्म कृपा बहुत जरूरी है। जितनी आप आत्म कृपा करेंगे आपको उतना ही भगवान जो है अपने पास जो है वो खींचेंगे। प्रयास लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छे अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, पुरानी सारी रिफ्लेक्शंस हमें अपने माध्यम से दिए हैं, तो बहुत ही हमने आनंद आज लूटा है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। हाँ जी भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली आप चूज कीजिए किसको मौका देना चाहते हैं आप सबसे पहले। हरी तो बोल। मौका देना चाहूंगी। ये जो ग्रुप स्टार्ट हुआ था, वैसे तो ये पल्लवी जी के माध्यम से हुआ है और उन्होंने बहुत सेवा की है इस ग्रुप के लिए, लेकिन जो उनकी मदर है राधिका आंटी जी, मैं सबसे पहले उनको मौका देना चाहूंगी, क्योंकि जो उनकी सेवा है और जो उनकी साधना है वो अपरंपार है। बहुत सुंदर साधना है और बहुत सुंदर वो सेवा करती हैं, और बहुत रेगुलरिटी से वो आती है। वो उनका एक आचरण एक गोलोक एक्सप्रेस के लिए बहुत बड़ा वरदान बन के आया है। तो मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहूंगी, राधिका आंटी जी को। हरे कृष्णा राधिका आंटी जी, प्लीज कैमरा में आइए। हरे बोल। हरे बोल राधिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ये आपका राउंड कंप्लीट हुआ है। हरे बोल जी, हरे बोल, कंग्रेचुलेशंस। निखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, साथ में निताशा जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिससे मैंने इतनी अच्छी भागवत गीता का ज्ञान ले रही हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोलक एक्सप्रेस में आइए, अपने सारे दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रय है प्रभु, सिर्फ सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सबसे पहले मैं हरि भगवान हरि जी का नमन करती हूँ, उसके बाद मैं निताशा जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, जिसने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया, भागवत ज्ञान दिया है। उसके बाद मैं पल्लवी जी का थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं दिव्य ज्ञान निताशा जी के माध्यम से ले पा रही हूँ। और निखिल जी, नितिन जी, भगवत ज्ञान बांट 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 कर घर घर मंदिर, हर मन मंदिर बना रहे हैं। इस सत्संग से जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे बहुत बहुत कुछ सीखा। इस सत्संग से जुड़कर मैंने भगवान की आराधना करनी सीखी, जो तो सुबह शाम पहले भी जगाते थे, भोग भी लगाते थे, मगर उसका मतलब कुछ नहीं पता था। सत्संग रोजाना लगाने से हमारे मन में बहुत बदलाव आए, जैसे हमने अपने मार्ग से तो प्यार करना चाहिए और दूसरों के मार्ग को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम पहले ये सोचते थे कि हमारा मार्ग बहुत अच्छा है, भक्ति करने का तरीका हमारा ही अच्छा है,
इस सत्संग से सुनने के साथ हमने माला करने भी जहां से सीखी। पहले हमें हमें सामने वाले कुछ बोल देते थे तो हम उसी समय बहुत गुस्सा आ जाता था, उसी समय उसको जवाब दे देते थे। अब सामने वालों की कमियां नहीं देखते, सामने वालों की अच्छाइयां देखनी चाहिए। कमियां हमेशा हमने अपने में निकालनी है। जैसे हमारे शरीर को खाने की जरूरत होती है, इसी तरह हमारी आत्मा को अपनी खुराक की जरूरत होती है। आत्मा की खुराक सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, माला जाप करना हमको बढ़ानी चाहिए। माला जाप करने से मन की शांति बढ़ती है, खुशी मिलती है। मन में ऐसे भाव आते हैं कि किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी को कुछ भी सिखाने की जरूरत ही नहीं है। किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सभी को अपने अपने प्रभुत्व होते हैं। ये नहीं कि मुझे इस रास्ते पर चलकर अच्छा लगता है, दूसरे को भी लगेगा। बात बात पे दूसरों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ हमने सत्संग के साथ ही जुड़कर सीखा है। सामने वालों की इज्जत करनी चाहिए। ये सब कुछ सत्संग से साथ ही जुड़कर सीखा है। अपने मार्ग पर फोकस करना चाहिए। भगवान कृष्ण जी ने भागवत गीता का ज्ञान सबके लिए दिया है। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। अगर कोई आपकी भक्ति के बारे में बोले तो वहां आपको स्टैंड भी लेना चाहिए। फिर जे आपने जे गलत बोला है। हमारे अंदर अपनी भक्ति को लेकर अनुभव होना चाहिए। जो हमारे गुरु ने हमें बोला है उसे हम अपना मकसद बना लेना चाहिए। इसके बाद मैंने कार्तिक मास का महत्व सत्संग के साथ में जुड़कर सीखा। कार्तिक मास में हम जो तुलसी को दीवा तो हम हमेशा पूरा साल ही जगाते हैं, ऐसी नहीं कोई बात है। मगर दमोदर आरती के बारे में हमने सत्संग के साथ में जुड़कर सीखा कि दमोदर आरती जरूरी करनी चाहिए। और संकल्प के बारे में सुना। मैंने कभी संकल्प नहीं सुना था। कभी सुबह जब मैं सुबह का सत्संग लगाती थी तो बोलते थे मैंने ये संकल्प लिया है कि मेरी इतनी माला होनी चाहिए, इतनी माला होनी चाहिए। तब मैं 70-80 माला करती थी। मगर मैं बड़ी हैरान थी कि बाकी डिवोटेड इतनी ज्यादा माला कैसे कर लेते हैं। फिर मैंने 108 माला का संकल्प लिया। मेरी 108 माला पता नहीं चलता था हरि जी की कृपा से कैसे हो जाती थी। मेरे को इतनी खुशी मिलती थी कि पता चलता था कि जिंदगी जीने का ढंग भगवत गीता ने ही मुझे सिखाया है। सारी जिंदगी तो हमने गप्पे लगाकर बातें करके ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। बार बार मैं जब माला करके बैठती थी, मैं धन्यवाद करती हूँ निताशा जी का। निताशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि मेरा हर समय ध्यान माला जाप में होता है। इस बार मैंने एकादशी को 4-5 दिन हुआ ना, कास्ती हुए, मेरी 215 माला हुई। मेरे को बहुत मन खुश हुआ। फिर शिवरात्रि आ गई। शिवरात्रि को मैंने 108 माला मैंने ओम नमः शिवाय की और 170 माला मैंने हरे कृष्णा की। मन को बहुत खुशी होती है। सही आनंद, सही खुशी भगवान के साथ जुड़कर ही मिली है। पहले तो हम सोचते थे फोन में बातें कर ले, किसी बहन को फोन कर ले, फ्रेंड को वो फोन कर ले। अब तो किसी का फोन आता तो बात ही नहीं करने को मन करता। इसके बाद कर्म कर्म तो हमने जो भी कर्म करने हैं करने ही हैं। जो भगवान ने हमको जन्म दिया है, हमारा शरीर ही मतलब कि कर्म क्षेत्र है। हमारे अंदर ही नेगेटिव और पॉजिटिव है। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो कौरव है, जो जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है वो पांडव है। ये सब कुछ हमने नताशा जी से ही सीखा है कि हमारे अंदर ही नेगेटिविटी और हमारे अंदर ही पॉजिटिविटी है। इसको दूर करने के लिए हमने भगवान कर्म तो करने ही करने हैं, मगर भक्ति के कर्म करने हैं। जो भी करना भगवान से अर्पित होकर करने हैं। जो कुछ करना है
यही कहना कि भगवान हमें फल की कोई इच्छा नहीं। पहले हम कोई भी काम करते थे, हमारा बेबी पास होता था, बेटा पास होता था, हम यही बोलते थे हे भगवान मेरा बेटा पास होएगा, मैं जे करूंगी वो करूंगी। अब ये पता चला कि हमने भगवान से कुछ नहीं मांगना, भक्ति के लिए कर्म करने हैं, भक्ति बढ़ानी है, जो कुछ भी है मिलेगा हमें भक्ति से ही मिलेगा। और हमें भगवान के साथ अपना इतना स्ट्रोंग रिश्ता बनाना है कि भगवान को हम किस रूप में भी देख सकते हैं। जे पति की जरूरत है भगवान को पति समझ सकते हैं, जे बेटे की जरूरत है भगवान को हम बेटा भी समझ सकते हैं, जे भाई की जरूरत है भगवान को हम भाई भी समझ सकते हैं। ये सब कुछ हमको सत्संग से ही सीखा है हमने। और इसके बाद हमने मन और बुद्धि के बारे में समझा। मन तो हमारा सत्संग से जुड़कर ही सही होएगा। मन हमारा बहुत चंचल है, मन हमारा बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है। हमने अपने मन की बात नहीं सुननी, हमने अपनी बुद्धि में कृष्णा जी को बिठाना है और बुद्धि की बात ही माननी है। मन को कंट्रोल करने के लिए साधना बहुत जरूरी है। हमने अपना नाम जाप ही बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी माला करनी है। माला करने से गुस्सा भी कंट्रोल में होता है, मन में को शांति मिलती है, अपने अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। माला करने से अपने आप ही अपने अंदर के बदलाव नजर आने लगते हैं। पहले जब हम सत्संग के साथ नहीं जुड़े थे तो सारियां कमियां सामने वाले से ही निकालते थे, हमको उनकी शाइयां देखनी चाहिए थी, कमियां हमको अपने में देखनी चाहिए। हम सब वासुदेव कुटुंब हैं, ये सब सारी हरि की सृष्टि है। हमने यही कहना है कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हमने सत्संग के साथ जुड़कर वैष्णव अपराध के बारे में समझा, जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। वैष्णव अपराध, हम बात बात पे किसी को बुरा बोल देते थे, किसी भक्त की बात काट देते थे, किसी भगवान के बारे में बोल देते थे, उस भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैं इतना मानती हूँ। जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हमें दुख और सुख एक जैसे लगते हैं। हम दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते और सुख में ज्यादा सुखी नहीं होते। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, ऐसे ही मुझे की दुख सुख मिलते हैं। भगवान जी ने साफ साफ भागवत में कहा है कि जो मेरी शुद्ध भक्ति करेगा, हर समय मुझे स्मरण करेगा, मैं उसको मरण जन्म के चक्कर से निकाल दूंगा, उसको भगवान का धाम अवश्य प्राप्त होगा। हमने अपनी आत्मा को शुद्धि के लिए नाम जाप करना है, नाम जाप से ही हरि हरि जी को खुश करना है। राधा रानी जी से हमने अपनी खाली झोली भरनी है, इससे इसमें आप हमें शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति भरने मांगनी है। हमने फोन में दूसरों के साथ गप्पे लगाने का टाइम वेस्ट नहीं करना। जब किसी के साथ भगवान की बातें करेंगे तो सत्संग गिना जाता है। जैसे हम वृंदावन तो नहीं जा सकते, ठीक नहीं जा सकते, हम घर भी अपना वृंदावन बना सकते हैं। घर में ही राधा रानी कृष्ण जी के लिए 3 टाइम अपना भोग बना के उनको भोग लगाए, बच्चों के साथ बैठकर आरती करे, सत्संग करे, भजन करे, घर में चैंटिंग बॉक्स लगाए, मंत्र पढ़े, हर समय घर में नाम जाप करे, घर ही हमारा स्वर्ग बन सकता है। बाकी हम मैं ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक्स निखिल जी, थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राधिका जी, बहुत आनंद आया सुन के कि आपका हरि नाम भी बढ़ गया। देखिए भक्तों के संग से क्या असर होता है, जब हम चलते रहेंगे ना फिर एक हेल्दी कंपटीशन आता है, हमें लगता है अच्छा वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करता, तो एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं हम। जैसे आप हो पाए, खूब हरि नाम आप कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि घर का एटमोसफेयर अब मंदिर बन गया है आपका, जी वो जोश में चलते रहिए। बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने हमारे साथ शेयर की, आपसे भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल रही है और ऐसे ही चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा आप बनेंगे। हरी हरी बोल जी, शुभकामनाएं राधिका जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
थैंक यू राधिका आंटी जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी लर्निंग शेयर करी है और बहुत अच्छी डिवोटी है ये। मैं तो सोच मेरे से खुद अभी 200 माला तक तो मैं भी कभी नहीं गई हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी एक गिफ्ट है। जब मोटिवेशन मोटिवेट करने से इतनी मोटिवेशन मिल जाती है डिवोटीज को कि वो 200 तक माला कर लेते हैं, तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर अस। थैंक यू राधिका आंटी जी। अब हम चलते हैं पल्लवी जी की ओर, जो मेरी बचपन की फ्रेंड है। उनकी उनके तार से ही इतनी तारें जुड़ी हैं, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। पल्लवी जी, हरे कृष्णा। पल्लवी जी, कंग्रेचुलेशंस आपको भी. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस. हरी बोल. थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। पहले तो वेलकम आपका हमारे इस फैमिली ग्रुप में, थैंक यू सो मच। ये सब आप ही का सपोर्ट है और आप ही की डेडिकेशन, आपका ही सब किया कराया है, जो हम आज इसका फल भुगत, मतलब हम भी कुछ यहाँ से कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। तो श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल हरी हरि बोल। सबसे पहले मैं प्रभु श्री हरि का धन्यवाद करूंगी, जिनकी कृपा से आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो सेकंड जो नताशा जी का, जिनके माध्यम से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी, और मुझे नताशा जी के माध्यम से ही मैं अप्रैल 2021 में इस गोलोक एक्सप्रेस के ग्रुप से जुड़ी थी। और निखिल भैया जी, आपका भी मैंने मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने सुनी, बहुत इंस्पायरिंग वीडियोस थी, जिनके जहाँ से मुझे डेडिकेशन मिली कि हाँ, मैंने भी कि बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट तो बहुत था पहले भी भगवद गीता, पर मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। तो ये मेरी अभी सेकंड रीडिंग कंप्लीट हुई है, तो मैं तहे दिल से नताशा जी का, निखिल भैया का, जितने भी हमारे सीनियर मेंटर्स हैं और हमारे जंग गोलोकियन सब, स्पेशली मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई थी जब मैंने अंशिका जी को, माधवन जी को, मतलब उनकी जर्नीज मैंने सुनी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, और आज मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अभी नित्य निरंतर चल पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले, अगर मैं 1 ईयर बैक अपना कुछ फ्लैशबैक करूं, तो मैं क्या थी आज से 1 साल पहले और आज क्या हूं, मैं थोड़ी सी आपके साथ वो चीज शेयर करूंगी। 1 ईयर बैक जब मैं भगवत गीता के बारे में, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, सिर्फ हम एज एक बुक की तरह उसको पढ़ते थे और बस पढ़ के वहीं पर रख देते थे। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मैं मतलब धार्मिक तो थी, हम कुछ धार्मिक गतिविधियां रेगुलर करते थे, लेकिन मुझे अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे थी कि मैं अध्यात्म के बारे में जानूं, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिलती थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या कुछ मतलब ऐसी कोई शायद सही वक्त वक्त नहीं था कि जो मुझे उस टाइम पे प्रभु की, मुझे कुछ नहीं वहां से कुछ कुछ भी मिला। तो आज वही, जब प्रभु की इच्छा होती है तभी सब कुछ मिलता है। उसके बाद मुझे श्रवण करने की कैपेसिटी मेरे में काफी देर, मतलब बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं फिजिकल सत्संग भी बहुत अटेंड करती थी, और फ्री टाइम पे मैं यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस मैं सुनती रहती थी, जिससे कि मुझे बहुत आनंद आता था और मैं एक सुख का अनुभव करती थी। बट वही बात थी कि जब हम सत्संग, जितनी देर हम सत्संग के साथ जुड़े होते हैं, तब तक तो हम एक सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वही आ जाकर हमें वापस तो फिर संसार में ही आना पड़ता है। और जब हम संसार में आते हैं, तो फिर वही विचलित हो जाना, मन में एक हर टाइम एक तूफान चलता रहता था, हर समय डर भ्रमित, हमेशा एक मतलब एक्सेसिव थिंकिंग से परेशान रहती थी, और हमेशा फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में, मतलब अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स करते रहना, प्रेजेंट को ना जीना बल्कि फ्यूचर्स के बारे में सोचते रहना, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाना, और आ जाके फिर उसकी जो क्रिएशन है कि हम एक एंगर, हम एक गुस्से का शिकार हो जाते हैं, और वो गुस्सा किसके ऊपर निकलना, सिर्फ बच्चों पे, अपनी फैमिली के ऊपर। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा कुछ टाइम, अगर 1 साल पहले की मैं बात करूं, तो बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि जैसे मैं बहुत ज्यादा जैसे डिप्रेस रहना शुरू हो गई, कि मुझे हर टाइम ऐसे लगता था कि मैं बस अकेले रहूं। मैं मतलब कई बार तो ऐसा मन होता था कि कुछ समझ ही नहीं आता था, बस यही मन करता था कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाऊं दूर एकांत में। बहुत ज्यादा परेशानी, और हर टाइम जब भी परेशानी, और समझ में नहीं आता था कि किससे अपनी बात शेयर करें, किसको बताएं, कौन हमें सही गाइड करेगा, कौन हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बताएगा हमें। बस जब कभी प्रभु के सामने बैठना और प्रभु से ही प्रेयर्स करनी कि प्रभु हमें सही राह दिखाओ और हमारी मेरी परेशानियों को दूर करो। मुझे मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन जो भी करना है आपने ही करना है।
हर टाइम हर समय मेरे अंदर बहुत से प्रश्न उठते थे कि समझ में ही नहीं आता था कि क्या है। बस आ जाके यही क्वेश्चन अराइज होता था कि क्या है ये जिंदगी, कि हमें जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं पता था। बस यही लगता था हम जिंदगी में आए हैं बस जैसे छोटे थे तो बस पेरेंट्स को यही होता था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लिया उसके बाद कमाने के पीछे भाग जाओ। फिर उसके बाद फिर लगता था कि आखिर में करना क्या है, हम तो एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है। तो बस वही फिर मतलब वही बात कि हमें हमेशा बस यही बचपन से यही गाइडेंस मिली थी कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करो तो नरक में जाओगे। बट वही माया में उलझे होने की वजह से हमेशा मन ही मन यही सोचते थे कि किसने देखा है स्वर्ग और नरक, कि जो जिंदगी मिली है तो बस जियो खाओ पियो ऐश करो, बस जो मन चाहता है मतलब कर लो, कि बस हम क्या कि हमें कौन सा पता है कि हमने स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, क्योंकि कोई कभी कोई गाइडेंस ही नहीं सही मिलती थी। और बस इसी वजह से हमेशा गलत डिसीजन ले लेते थे, हमेशा संसारिक चीजों के मोह में संसारिक रिश्तों के मोह में उलझे रहते थे और गलत कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेते थे। और बस जब किसी ने कुछ गलत कह दिया तो इतने परेशान और ऐसे लगता था कि जैसे अब इसने कहा तो कहा क्यों है। बस फिर वही बात कि हमेशा इन्हीं चीजों से अहंकार उत्पन्न हो जाना, ईर्ष्या क्रोध वगैरह ये सब चीजें हमारी मतलब जो सामने आती थी जो इसका रिजल्ट होता था। हमें जब भी कोई डिवोशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते तो वहां भी सिर्फ डर डर के रहते थे, कहीं पर जाना तो छुप कर, यही लगता था कि कोई क्रिटिसाइज ना कर दे, क्योंकि आपको पता है हमारे सराउंडिंग एरियाज में सबसे ज्यादा हमें लेग पुल करने वाले ही मिलते हैं। तो मतलब कभी वहां पर भी फ्री होकर नहीं जा पाते थे, हमेशा फाइनेंसिस के पीछे भागते रहते थे। हमेशा यही लगता था कि पैसा ज्यादा होगा तो हम खुश रह पाएंगे, जो हमारा हम सब जिसकी तलाश में रहते हैं, सिर्फ एक खुशी की तलाश में हम ज्यादा, हमें लगता था कि फाइनेंसिस जिसके पास ज्यादा फाइनेंसिस है वही लाइफ में सबसे ज्यादा खुश है, जबकि ये सब भी बिल्कुल गलत था। और ये सब भी हमें कब पता चला, जब हम भगवद गीता के साथ जुड़े, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ के चक्कर में फाइनेंशियल स्ट्रांग करने के चक्कर में हम अपनी फिजिकल हेल्थ को भी पीछे छोड़ जाते थे और मेंटल हेल्थ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, और फैमिली का तो बिल्कुल ही अता पता ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट करना शुरू कर देते थे। और हम बस यही था कि हमें खुश रहना है सुखी रहना है, और असल में यही नॉलेज नहीं थी कि हम सच में खुशी खुश कहाँ रह सकते हैं, कैसे हम सुखी रह सकते हैं। और यही चीज जो मेरे को भगवद गीता से जुड़कर ही पता चली, जब मुझे नताशा जी ने भगवद गीता की रीडिंग के लिए कहा तो मैंने जट से बस उनको हाँ कर दी, उन्होंने बहुत मेरे साथ कॉपरेट किया। जैसे मुझे रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो वर्किंग होने की वजह से मैं थोड़ा मेरा टाइम का थोड़ा शेड्यूल ऐसा था कि, और उन्होंने बहुत कॉपरेट किया और मेरे अकॉर्डिंग ही टाइम की सेटिंग भी करी। और जब मैंने ये सत्संग स्टार्ट किया तो हम वन ऑन वन ही करते थे और हम फोन कॉल पे ही ये सत्संग लगाते थे। और स्टार्टिंग में ही जब मैंने ये सत्संग अटेंड किया, बट ये था कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में अराइज हुए जब मुझे नताशा जी ने बताया कि भगवद गीता है क्या, कि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है और ये हम एक परफेक्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक है जिससे जो हमें हमारे लाइफ जीने का सही ढंग बताती है। बट मेरे को लगता था, क्योंकि मैंने पहले भी भगवद गीता पढ़ी हुई थी और मुझे यही लगता था कि उसमें सिर्फ महाभारत की सारी कहानी बताई गई, मुझे लगता था मेरे मन में ये क्वेश्चंस उठते थे, लेकिन मैंने कभी नताशा जी के या कभी भी किसी से ये क्वेश्चन अराइज नहीं करा कि हाँ कि ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेट होती है। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट डे ही जैसे मैंने सत्संग लगाया और नताशा जी ने मुझे बहुत अच्छे से मतलब ये भगवद गीता के बारे में उनके बेसिक नॉलेज बताई मुझे कि कैसे मतलब हमें ये भगवद गीता हमारे लाइफ में क्या काम करती है, कि जैसे हम उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से समझाया कि जब भी हम कोई गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, वैसे ही भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखी गई एक उनके द्वारा भेजी हुई वो ज्ञान है भगवद गीता में, कि जो हमारी लाइफ का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें जिंदगी जीने की सही कला बताता है। तो मतलब जैसे ही मैंने भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया और मुझे उसमें ये चीज सबसे पहले समझ में आई कि भगवान श्री हरि ने अर्जुन जी को ये ज्ञान हम एक मनुष्य जीवन के बारे में बताया था, कि जिसमें उन्होंने अर्जुन जो है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है और प्रभु श्री हरि खुद अपने मुख से श्री मुख से अपने ज्ञान हमें मतलब देना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से। जैसे जैसे मैं ये सत्संग लगाती गई और मेरे मन के जो मतलब जो मैंने कभी क्वेश्चंस किसी के सामने अराइज नहीं किए थे वो मेरे मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू हो गए। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे बेसिक मॉडल्स करवाए, जैसे कि 4S मॉडल, ABCD मॉडल,
कंपैरिजंस ऑफ चैरियट्स एंड कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस. तो मतलब आप समझो कि मेरी मतलब जो मेरे मन में तूफान चल रहा था, मेरे क्वेश्चन मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन अराइज होते थे, मानो कि वो काफी हद तक वो शांत हो गए थे. मुझे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया था. और फाइनली मैंने अपने मम्मा को बोला, क्योंकि मेरे मम्मा बहुत ज्यादा भगवदगीता सुनते थे, भागवतम भी बहुत सुनते थे टीवी पे. बट जब मैंने देखा कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे मतलब हमें अपने मेरी लाइफ के साथ रिलेट करके हर चीज बताई, और मैंने अपने मम्मा को भी साथ ही बोला कि मम्मा आप सत्संग तो सुनते हो, बट आप एक बार ना नताशा जी का सत्संग लगाओ, कि मेरी फ्रेंड ऐसे बहुत अच्छा वो करवाती है और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है. तो मम्मा ने भी मेरे कहने पर वो लगाया, और मतलब वाकई मम्मा ने भी बहुत उन्होंने भी बोला कि मुझे सही ज्ञान आज ही मिला. मैं पहले बिल्कुल लगाती थी, लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं मतलब इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी करूं. और यही चीज मैंने भी रियलाइज करी कि मैं सत्संग तो रोज लग सुनती थी, लेकिन कभी भी मैं उस सत्संग को अपने जीवन में नहीं उतार पाई थी. और फिर जब मैंने जैसे मैंने 4S मॉडल्स का जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे मेरे जीवन जीने के वो 4 पिल्लर्स मिल गए हैं, कि जिस मतलब जिसके भी हाफ में मैं अब अपना जीवन अच्छे से मतलब स्पेंड कर सकती हूँ. उसके बाद जब मैंने ABCD मॉडल को पढ़ा, तो मैंने जहां पर मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितनी एक्टिविटीज करती हूँ, और जब मैंने डिस्ट्रक्टिव जब मैंने इस मॉडल को अपनी लाइफ से रिलेट किया, तो मुझे पता चला कि मैं कितनी नेगेटिव थी कि, और मैं क्यों इतनी नेगेटिव थी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज करती थी, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करती थी. और मैंने वहां से अपना टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करा और मैंने अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज में उसको फोकस करा. सत्संग तक मैं करती थी, लेकिन मैंने साधना नहीं मैंने कभी नहीं की थी साधना, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. उसके बाद मैंने अपनी नाम माला जाप बढ़ाया, और मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो आई थिंक मैंने 5-6 माला से करी थी, और आज मेरी जो माला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. और मैं जब जैसे वर्किंग होने की वजह से मैं जैसे शॉप पे आगे क्या होता था, जब कभी फ्री होना शॉप पे तो क्या करना, सारा दिन लैपटॉप चला लिया, मोबाइल पे फेसबुक पे वीडियोज देख ली, सॉन्ग सुन लिए. लेकिन अब मेरा वही टाइम जो है वो मेरा साधना में जाता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने पास टेलीकाउंटर रखती हूँ, और मैं ज्यादा से ज्यादा जब भी मैं फ्री हूँ तो मेरे को यही मेरी इच्छा रहती है कि मैं अपनी माला जाप ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ. वैसे तो मैंने टारगेट मैंने 32 माला का लिया हुआ है, लेकिन मेरे से जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाए मैं करने की कोशिश करती हूँ. तो मतलब उससे मुझे इतनी शांति मिलती है. अब कभी भी मैं लाइफ में परेशान हूँ, कभी भी मुझे कोई ऐसा मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब मुझे कोई रास्ता नहीं, तो मैं प्रभु श्री हरि से प्रेयर्स करती हूँ, और उन्हीं से मैं सिर्फ अपनी माला जाप करती हूँ उस टाइम पे. और मुझे नहीं एकदम से मेरा मन जो बिल्कुल शांत हो जाता है. और ये चीज सच में मैंने एक्सपीरियंस करी है, ये मैं ऐसे ही सुनी सुनाई बातें नहीं आपको बता रही, सच में मैंने ये एक्सपीरियंस करा, और मुझे बहुत आनंद आता है कि मैं मतलब आज ये सब कर पा रही हूँ. तो उसके बाद मैंने जब भगवदगीता में श्लोक नंबर 2.14 में पढ़ा सुख दुख के बारे में, तो हमेशा हम सुख दुख में जैसे सुख में बहुत ज्यादा वो हो जाते थे, विचलित मतलब कि एक्साइटेड हो जाना, और दुख के टाइम पे बहुत ज्यादा विचलित हो जाना. जब मैंने सुख दुख की परिभाषा पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि ये सुख दुख तो कुछ है ही नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है कि जिसे हम प्राप्त कर सकें, ये सिर्फ हमारे मन के द्वारा उत्पन्न किए गए विचार हैं, जो एक ही परिस्थिति में किसी एक व्यक्ति के लिए सुख होता है, दूसरे के लिए दुख होता है. तो इसलिए सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए को बदलना है, और अपने सिर्फ डिवोशनल एक्टिविटीज पे वर्क करना है. और ये तभी होगा जब हम रेगुलर बेसिस पे हम अपने सत्संग साधना सेवा पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और तभी जब हमें प्रभु की सही गाइडेंस मिलेगी, हमारी बुद्धि पॉजिटिव होगी, और हम कभी भी सुख दुख में विचलित नहीं होंगे, हमेशा संभव रहेंगे. और मुझे बहुत मतलब फिर मैंने जब ये पहले भी एक्सप्लेन करा कि हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का पता था, ये चीज भी मैंने भगवत गीता से जुड़कर ही मैंने जानी कि हमारे पाप पुण्य से ऊपर भी एक कर्म होते हैं जिसको हम दिव्य कर्म के नाम से जाना जाता है. तो हमें हमेशा पाप हमें सिर्फ अच्छे या बुरे या पाप और पुण्य में नहीं उलझे रहना, हमें दिव्य कर्म करने हैं, हमें भक्तिमय कर्म करने हैं, और हमें अपना जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर करना है, और हमें भगवत धाम की प्राप्ति करनी है. हमें सिर्फ प्रभु से जुड़कर ही हर कर्म करने हैं, हमें किसी तरह का कोई फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए. अगर आसक्ति लगानी है तो सिर्फ प्रभु से प्रेम की, प्रभु को पाने की आसक्ति होनी चाहिए. और हमें इस संसार में रहकर ही हमें अब मतलब कि हमें हमेशा
अंदर से रामा और बाहर से ड्रामा वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हम संसार को तो एकदम से नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल हमें इस संसार में रहकर ही प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हमें दूसरों को बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी भक्ति का दिखावा करना है, हमें सिर्फ अपने अंदर अंतर मन से हमें प्रभु के साथ कनेक्टेड रहना है। फिर जब मैंने कछुए वाली एग्जाम्पल पढ़ी तो उसने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि हम बहुत जल्दी ये जो है निंदा चुगली का मतलब ऐसे कुसंग का शिकार हो जाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो हमारा हमारे ऊपर प्रहार कर देती है। तो हमें ये यहाँ से मैंने ये सीखा कि हमें जहाँ हम किसी भी कंडीशन में हो, हमें हमेशा मन से प्रभु के समीप रहना है। और जैसे कि हमें जैसे कि कछुए ने हमें इस कछुए वाले एग्जाम्पल से मैंने बहुत अच्छे से समझा कि जैसे ही हमें कुसंग में आते हैं तो हमें मतलब कि हमें अपने आप को कवर कर लेना उस टाइम पे, और जैसे ही हम प्रभु के समीप जाते हैं तो वैसे ही हमें अपने आप को शैल से बाहर निकाल लेना है, कि मन को और शरीर को दोनों को वहीं रखना है। हमेशा कुसंग में आते ही हमें अंदर से रामा और बाहर से ड्रामा करना है, और हमें हमेशा अपने मन को एक दिए की भांति सेफली रखना है। जैसे एक जलते हुए दीपक को हवा के झोंके से बचाना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने मन को भी हमेशा बचा कर रखना है, क्योंकि हमारा जो ये मन है ये संसार में आकर एक बिल्कुल मैला कुचैला हो गया है, और इस मन को साफ करने के लिए हमें इसे प्रभु के समीप लाना होगा। जैसे पानी की गंदी बूंद सागर में मिलते ही साफ हो जाती है, ठीक वैसे ही हमें अपने आप को परमात्मा में विलीन करना है, तभी हम शुद्ध हो पाएंगे, हम साफ हो पाएंगे और हम दिव्यता को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु प्रेम के, दया के, शक्ति कृपा के सागर है, और जब हम प्रभु में समा जाएंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसे पेड़ और पानी जब साथ हो तो हरियाली ही रहती है, वैसे ही हमें जब हम आत्मा परमात्मा के साथ रहेगी तो तभी हम खुशहाल रह पाएंगे। हमें तीन गुणों जब मैंने तीन गुणों के बारे में जाना तो यहाँ से भी मुझे बहुत अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम लोग सतो रजो और तमो के जंजाल में फंसे हुए हैं। गुणों की देवी हमें कठपुतलियों की भांति इन तीन गुणों में नचाती रहती है। तो हमें हम हमेशा अपने मनमाने ढंग से जीवन जीने की वजह से हमारी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जहां जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, और जब हमारी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और वहीं पर जो हमारा मन है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब हम सेटिस्फाई नहीं होते तो हम हमेशा बिल्कुल एक गुस्से के शिकार हो जाते हैं। तो हमें अपनी जैसे हम जैसे ही हम इस संसार में आते हैं तो भटकते जाते हैं, तो हमें अपना जो हमें एक्चुअल में हम जो आनंद की खोज में है वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास जाकर ही मिलेगी। तो यही यहाँ से मैंने यही सब कुछ सीखा और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी कि हमें यहाँ यही कि जिस खुशी की तलाश में हम भटक रहे हैं वो हमें तभी मिलेगी जब हम अंदर से शांत होंगे, और हम अंदर से तभी तभी शांत होंगे जब हम हमारे अंदर एक मौन होगा, जब हमारे अंदर स्थिरता होगी, और वो स्थिरता तभी आएगी जब हमारी बुद्धि का विवेक जगेगा, और हमारी बुद्धि का विवेक तभी जगेगा जब हम सत्संग का आश्रय लेंगे। तो एक्चुअल में भगवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी थोड़ा टाइम की कमी है तो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन जितना भी सीखा है बहुत अच्छा, और बहुत बहुत चीज मतलब एक साल में ही मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो बिल्कुल मुझे सिर्फ यही चीज समझ में आई कि हरि नाम से ही हमें अपने मन रूपी पात्र को साफ करना है। इस संसार में जो जो हमारा स्वामित्व का भाव था उसको प्रभु श्री हरि का दास बनकर हमें इस संसार में रहना है, हमेशा सर्व हित कल्याण की मंगल कामना करनी है, यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। और हम बिल्कुल यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अंत में मैं यही कहूंगी ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्ण। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पल्लवी जी, थैंक यू सो मच। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तो कोई मान ही नहीं सकता कि आप एक साल से जुड़े हो, आपने तो बहुत जबरदस्त ग्रिप पकड़ लिए टॉपिक पे, और सारा का सारे शास्त्रों का ज्ञान का निचोड़ कर दिया आपने 15 से 20 मिनट में बिल्कुल एक्सप्रेस स्पीड के साथ। तो आप में भी बहुत पोटेंशियल है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे प्रचारक बनोगे, बस आप चलते रहिएगा। और आपने डिस्ट्रक्टिव डिवोशन करना सीख लिया है, आप कैसे स्पेयर टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, वही शॉप है वही बिजनेस है, अब आप समझ गए हो कि टाइम नहीं वेस्ट करना है, खूब हरी नाम करना है। कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है आपने कि भाई खुशी तभी मिल सकती है जब भगवान से हम जुड़े रहेंगे। सिंपल है, अगर इतना सा पकड़ना है बस, हमें इतना सा पकड़ना है, इतना सा बताना है कि भगवान से जुड़े रहो। जैसे मछली पानी के बिना खुश नहीं रह सकती, उसको जकूजी दे दो, उसको पेडिक्योर मेडिक्योर
जैगुआर ज्वेलरी कुछ भी ले लो, बट अगर उसको पानी में नहीं रखोगे तो वो तड़पती रहेगी। वैसे ही हमारा हालात है, अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हम आनंद में रह सकते हैं, अगर हम भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं तो एक्सटर्नली हम कुछ भी अचीव कर दें तो हमने डिप्रेस होना ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के पल्लवी जी, एंड बेस्ट विशेस, थैंक यू सो कंग्रेचुलेशंस, मच एंड खूब भैया, सारे लोगों के थैंक लिए यू, आपकी इंस्पिरेशन बनी। ब्लेसिंग्स हरी भी हरी हैं बोल मेरे। जी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू सो मच। हरी बोल बहुत अच्छा लगा पल्लवी जी को सुन के। जब पल्लवी जी फर्स्ट टाइम ऐसा जुड़ी थी तो ये बड़ा ही एक अनोखी चीज होती है कि आपके जो बचपन के दोस्त जब आपके साथ जुड़ते हैं ये बहुत कम होता है। और ये आई थिंक ये हमारा बड़ा ही डिवाइन रिलेशनशिप रहा है कि एक डिवोटी से आज कितनी चेंज जोड़ी है। पल्लवी जी ने बहुत मेहनत करी है, पल्लवी जी ने, राधिका आंटी जी ने, ममता आंटी जी ने, इन्होंने एक ग्रुप को अच्छे तरीके से पिरोए रखने में बहुत हेल्प करी है। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक यू नहीं, पल्लवी। नताशा जी, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखो, ये चीज भी हमने सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस पे आकर ही सीखी है, अदरवाइज हम लोग भी हमेशा अहंकार और ईर्ष्या में ही रहते हैं कि शुरू से यही होता था कि नहीं, हम हर चीज हम अचीव कर ले, दूसरों को मतलब इस चीजों से वंचित ही रखें कि हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन नहीं, गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ये चीज मैंने बहुत अच्छी, मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपके साथ जुड़ के। और ये चीज मैं बिल्कुल कहूंगी कि ये प्रभु की इच्छा है कि जिसको प्रभु ने जोड़ना है वो प्रभु जोड़ ही लेंगे, मेरे नहीं तो किसी और के माध्यम से। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल आप जी। हमेशा आपके याद साथ रखिए, हो तो वही एक बड़ी कृपा है। हाँ जी भैया, आप बोलो। देखिए हमेशा याद रखिए, सच में सबका साथ सबका विकास, यही सच है। जितना आप दूसरों की हेल्प करने के भाव में आगे बढ़ जाते हो ना, आपका तो उतना विकास हो ही जाता है। जो हम स्वार्थी होते हैं ना, हमें लगता है मेरा फायदा हो जाएगा जब मैं किसी और को कुछ शेयर नहीं करूंगा, और रियलिटी यही है कि जितना आप शेयर करते हो आपको तो मल्टीप्लाई हो ही जाना है। भगवान ने आपकी भक्ति को बढ़ाना ही बढ़ाना है। आप जितना ज्ञान बांटोगे, भक्ति बांटोगे, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जोश बढ़ जाता है। आज मैं जहां भी पहुंचा हूँ इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि मैं बांट रहा हूँ। जितने आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाओगे ना, जो आपने सीखा शेयर करते चलो, सबके लिए प्रेयर्स करते चलो, देखिए कैसे कृपा विशेष होती है आप पे। थैंक यू सो मच पल्लवी जी, दिख भी रही है आपके ऊपर, हो चुकी है वो कृपा, बस इसको आगे मेंटेन कीजिए मोमेंटम को। आप देखिए कैसे हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन कर देंगे आप, चलते रहिए ऐसे। थैंक यू जी, हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। अब नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं, वो है पल्लवी जी की भाभी जी, दिव्या जी बटाला से। हरे कृष्णा। दिव्या जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पहले तो सबसे पहले मैं भैया आपका आभार करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ कि आप हमारे इस सत्संग ग्रुप में आए और हमारे सत्संग की शोभा को और चार चांद लगाए। पल्लवी जी अगर आप ना थोड़ा सा आप ना कैमरा को टिल्ट कर लोगे, आपका चेहरा यहां से कट रहा है, हल्का सा पीछे कीजिए उसको। हाँ जी बेटर, मतलब पहले यहां तक आ रहा था, यहां तक अब ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू जी, ठीक है, जी थैंक यू। ठीक। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरी बोल। मैं दिव्या महाजन बटाला से बिलोंग करती हूँ और मैं गोलक एक्सप्रेस फैमिली में पल्लवी दीदी के माध्यम से लास्ट अप्रैल 2021 में जुड़ी थी। और ये मेरी रीडिंग सेकंड रीडिंग है और इसमें मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगी जरूर। और मैं मतलब सत्संग के माध्यम से अपनी लाइफ के चेंजेस के बारे में बताती हूँ कि इतने चेंजेस हुए हैं कि पता ही नहीं। कि पहले तो हम जिंदगी को जीते थे, लेकिन सत्संग से जुड़कर मैंने जिंदगी को सही मायने में जीने का ढंग सीखा कि कैसे हम अपनी ड्यूटीज को करते हुए भगवान का जाप करते रहते हैं और अपने ड्यूटीज को पता ही नहीं चलता कैसे कर लेते हैं। इस सत्संग से जुड़कर बहुत सारी क्लैरिटी हुई। फिर मैंने, मेरे को पता चला कि कैसे मटेरियल लाइफ में रहते हुए हमने अपने समय को इधर उधर की व्यर्थ की बातों में ना करते हुए कैसे हमने अपनी भगवान जी के साथ अपनी ड्यूटीज को करना है और भगवान जी के साथ चलते हुए ही अपने टाइम को कैसे मतलब यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। पहले टाइम होता था बस शाम की आरती की, सुबह की आरती की, बस इतना ही होता था। कुछ खास मतलब कोई रूटीन नहीं होती थी। और जब से सत्संग से जुड़े हैं तो इतनी मतलब परिवर्तन
पता ही नहीं चलता टाइम का कि कैसे ये टाइम निकल जाता है। श्री हरि को मैंने अपने साथ लेकर मैं चलती हूँ, हर समय उनका स्मरण करती रहती हूँ, हर समय उनका मतलब नाम अपनी जुबान पे ही होता है। बच्चों को भी घर में घर का माहौल ऐसे हो जाता है कि पता ही नहीं चला कि हर समय, अब बच्चों को भी होता है कि नहीं फ्री बैठे अम्मा हम भी चैंटिंग कर ले, बच्चे भी चैंटिंग करते हैं कि चैंटिंग की माला। पहले तो मेरी भी स्टार्टिंग होती थी, मैं भी स्टार्टिंग मैंने एक माला करनी दो माला करनी फिर रुक जाती थी, नहीं थी बस मन नहीं लगता था ना, मन का ठहराव नहीं था। और अब तो इतना मतलब कि चैंटिंग का एक नशा हो गया कि पता ही नहीं, अब जब भी फ्री टाइम होता है तो यही होता है कि नहीं मैं अपनी चैंटिंग कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा अपनी चैंटिंग को बढ़ाऊं और भगवद गीता सुननी और समझना। और अब पहले भी इसको समझा सुना था पर लेकिन जब से इस सत्संग से जुड़े हैं इतनी इसके अंदर के जो श्लोकों की अंडरस्टैंडिंग बनी है कि कैसे हम सत्संग में जुड़कर पता चला कि कैसे हमें इन श्लोकों में ही हमें जिंदगी जीने का ढंग सिखाया हुआ है, बट पहले हमें ये बातों की क्लैरिटी नहीं थी। भगवद गीता के माध्यम से मैंने ये सीखा कि हमारा हैप्पीनेस जो है हमारे अंदर ही है, लेकिन हम हैप्पीनेस को बाहर ढूंढते थे। इंटरनल हैप्पीनेस के बारे में बड़ी अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी, अपने आप ही चैंटिंग की रेगुलरिटी होती गई मेरी और चैंटिंग के द्वारा ही मैंने अपने अंदर फील किया कि कैसे अपने अंदर हृदय परिवर्तन होता है। अपने अंदर की नेगेटिविटी थी जो डे बाय डे धीरे धीरे मेरे अंदर वो भी चेंजेस आए, वो भी मैंने अब तो नेगेटिविटी नेगेटिव ख्याल तो कहते हैं ना कि आता ही नहीं, पहले तो हर टाइम होता था कोई किसी की बात सुनी या किसी सुन करनी और नेगेटिव ख्याल पहले मन में स्ट्राइक करता था, अब वो ऐसे ख्याल आते ही नहीं कि खुद ब खुद भगवान की तरफ ध्यान जाता है, मन इतना शांत रहता है कि हर टाइम की मतलब पता ही नहीं किस ख्यालों में रहता है कि कई बातें तो ऐसी होती है कि जो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और टाइम का पता ही नहीं चलता कि सारा टाइम डिवोशन की तरफ ही चलता है। और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा इंक्रीज हुआ सत्संग से जुड़कर, मैंने मतलब कि डिवोशन के साथ जुड़कर इतना कुछ सीखा कि जो पहले क्वेश्चंस अपने मन में राइज होते थे अब उन सब क्वेश्चंस का आंसर अपने आप ही सत्संग से जुड़कर उसका आंसर मिल जाता है, पता ही नहीं चलता। और एप्रिसिएशन, इस सत्संग में एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हर बंदे को एप्रिसिएशन मिलती है, हर किसी को अप्रिशिएट किया जाता है कि चाहे वो मैं अपनी ही बात ले लूं। और भजन चलो छोटे होते से मुझे शौक था कि अपने अंदर गुनगुनाते रहना, तो सत्संग के माध्यम से मैंने भजन गाना भी शुरू किया और मेरे को नहीं पता मेरी आवाज अच्छी है नहीं अच्छी, बट दीदी का एक प्लस पॉइंट था वो उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट करना कि नहीं दिव्या जी आपने बहुत अच्छा बोला बहुत अच्छा, इससे एक अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है कि नहीं कि फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है कि नहीं मैं फिर बोलूंगी करूंगी ऐसे, और इससे बड़ा अच्छा लगता है। और ABCD मॉडल्स को मैंने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया और इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है हमारी लाइफ में ABCD मॉडल्स का, कि इससे हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस आते हैं। और कर्मों की बात करें तो पहले हमें यही बताते थे कि अच्छे कर्म करो आगे, जैसे जब तक हमें सत्संग का नहीं पता था तो मैं भी बच्चों को यही बोलती थी अच्छे कर्म करने चाहिए अच्छे कर्म करने चाहिए, और अब पता चला कि हमें भक्तिमय कर्म कैसे करने हैं कि हमें भक्ति के साथ जुड़ के अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे कर्म अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे ही होंगे, अगर हम भक्ति के साथ जुड़े हैं ना तो भगवान कहते हैं ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वैसे ही भगवान हमारे सबसे बड़े पेरेंट्स हैं, मतलब उनको पता है कि हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा, वो तो हमें हमारे अंदर पेशेंस लेवल कम होता है कि हम फटाफट से मतलब जल्दी में होता है कि नहीं जो हमने चाहा हमें वही मिले, ये कभी नहीं होता, जो हमारे हमें बस यही कहना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है भगवान आप वही करना। तो मतलब कि सत्संग से जुड़कर ही मैंने सब कुछ मतलब ABCDZ तक ले लो आप सारी, कि मैंने सब कुछ सत्संग से ही सीखा, पहले तो मुझे भक्ति का कुछ भी नहीं पता था, ये मैं सत्संग में सत्संग का ही थैंक्स करती हूँ कि इसमें जुड़कर मैंने इतना कुछ सीखा। और कैसे हम नेगेटिव लोगों के बीच में बैठ के, क्योंकि मटेरियल लाइफ में रहते हैं तो नेगेटिव लोगों के बीच में आना जाना बैठना उठना होता है, तो कैसे हमें नेगेटिव टी के बीच में रहते हुए भी हम कछुए की भांति अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, कछुए की तरह उस टाइम पे हमें अपनी शैल के अंदर जाना है, कैसे हमें कि कछुए की तरह अपने शैल के अंदर रहना है, कैसे हमें अपने आप को लोटस की तरह अपने आप को लोटस की तरह रखना है, कैसे वो कीचड़ में रहकर भी अपने आप को
एक वो हमारा नेशनल फ्लावर बना हुआ है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ को ऐसे ही दर्शाना है लोटस की तरह। और अपना संघ मेन जो हमारी संघ की बात आती है वो हम अगर डिवोटी एसोसिएशन के साथ अपना संघ रखेंगे तो हमारा मतलब कि अगर कहते हैं ना संगत का असर होता है, अगर हमारी संगत ही अच्छी होगी तो हमारा मतलब कि हम वो मतलब कि नेगेटिविटी की तरफ जा भी नहीं पाएंगे। तो ये हमें जो संघ मिला है, हम भगवान का शुक्र गुजार हूँ मैं कि मुझे ऐसा संघ मिला है जिसके साथ जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीख रही हूँ, और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि मैं सीखती रहूँ, क्योंकि कहते हैं ना सीखने की कोई एज नहीं होती और सीखने की कोई लिमिटेशन नहीं होती। कि मेरे को तो होता है हर किसी से कुछ ना कुछ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है और हमें वो सीखते ही रहना चाहिए। और हमें ये नहीं समझना चाहिए, पहले तो हम यही समझते कि हमारा ये शरीर है कि हम शरीर के ऊपर ही ध्यान देते थे, अब ये समझ लगी कि नहीं, हमें शरीर को नहीं आत्मा को समझना है और आत्मा की तरफ फोकस करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपना अपनी खुराक है जो आत्मा को सत्संग के थ्रू ही देनी है, अपनी खुराक आत्मा की खुराक देनी है। और जैसे हम यहाँ गोलक एक्सप्रेस में आके मैंने ये सीखा है, शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते रहिए और मटीरियल लाइफ की चीजों से दूर रहिए। ये सब क्लैरिटी हुई कि कैसे हम टेम्परेली घर पे रह रहे हैं। पहले तो यही होता था, कोई चीज घर की टूट गई है तो उसके साथ अपना अपना एक बॉन्डिंग बनी होती है कि नहीं, मटेरियल चीजों के साथ ज्यादा झुकाव होता था, और वो सब झुकाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि पता चला कि ये सब टेम्परेली है, ये जो हम इधर रह भी रहे हैं ये भी टेम्परेली घर है हमारा, और परमानेंट धाम तो गोलक धाम है जहां हमने जाना है गोलक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर, और अपना सफर भक्ति में बनाना है, और भक्ति करते करते गोलक एक्सप्रेस ट्रेन पे बैठ के गोलक धाम की तरफ जाना है। एंड में मैं अपने मेंटर्स निखिल भैया, नितिन भैया और नताशा दीदी का थैंक्स करती हूँ कि जिनके माध्यम से हमें ये बड़ा ही सरल तरह से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ये भगवान श्री हरि की इच्छा थी कि जो उन्होंने हमें ये दिव्य प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा कि हम ये ज्ञान बड़ी ही आसानी से ले पा रहे हैं। गोलक एक्सप्रेस में आइए, सब दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल दिव्या जी, बहुत आनंद आया, बहुत प्यारी आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, जोश आपका बढ़ता रहे, और आप एज अ होल फैमिली देखिए, आपका तो घर मंदिर बन ही गया। आपने बताया पहले पदवी जी ने कहा वो मेरी मम्मा है, और राधिका जी, पदवी जी सब फैमिली है, राइट? तो हो गया घर घर मंदिर, यही तो है हमारा सपना। आप खुद चलो और अपने आसपास अपने फैमिली को, आपने कहा आपके बच्चों में भी डिवोशनल एट्रीब्यूट बढ़ रहे हैं, होगा ही होगा कि मदर गुरु है ना, मदर में बढ़ेंगे, फादर में डिवोशन बढ़ेगी तो बच्चों पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है उसका आसपास, है ना? तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ऐसी आप चलते रहिए। कंग्रेचुलेशन दिव्या जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल भैया, एक डिवोटी को हम सुन सकते हैं कि है अभी टाइम हमारे पास है? हाँ, एक डिवोटी को सुन लेते हैं 10-12 मिनट, फिर भजन आपने दिया होगा किसी को, फिर कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, हरी हरी बोल। जो नेक्स्ट डिवोटी है वो मेरे मदर है, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। मम्मा आपको, मधु जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रीडिंग कंप्लीशन के भी, और डॉटर इतनी ब्यूटीफुल सेवा कर रही है, आई एम श्योर आपको एज अ मदर बहुत हर्ष होता होगा इस बात का भी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे बोल एवरीवन, मेरा नाम मधु है, मैं बटाला से हूँ। मैं अप्रैल 2017 से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। थैंक्स निखिल जी, आपका इस स्वागत है इस सत्संग में आने के लिए। कॉन्ग्रेट्स कहती हूँ निखिल जी, नितिन जी और सारी गोलोक परिवार को, जो श्रीमद् भगवद गीता की समरी कोर्स था वो बड़ा सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। मुझे तो 3 जनों ने फोन करके स्पेशल कहा कि बहुत मजा आ रहा है। हरी कृपा से मैं आपको, अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, ये हम घर बैठे कर सकते हैं इजीली वे। ये तो हम तो कई तरीकों से मुश्किल होती है मुझे, तो मैं तो शायद ये कर भी नहीं पाती। इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि परमात्मा की कृपा से मुझे समझ आ रहा है। अब मैंने 3 रीडिंग्स की थी पर मैं रेगुलर नहीं थी।
जब हम द्वारकाधीश धाम यात्रा पर गए तब मैंने नितिन जी को बताया कि मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल नास्तिक थे, जब से निखिल जी और नितिन जी आपको मिले हैं ना अप्रैल 2017 में पठानकोट में, तब से वे भक्ति में लग गए हैं। वो आपसे इतने इंप्रेस हुए हैं, वो डेली ना 36 माला कर लेते हैं, पर मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ। तब नितिन जी ने मुझे सुग्रीव वाली कहानी सुनाकर कहा, आप आंटी जी सुग्रीव वाली भक्ति चाहते हो या हनुमान वाली? वो बात मेरे मन को इतनी लगी, मैंने कहा नहीं, मुझे तो हनुमान वाली भक्ति करनी है, भगवान जी का दास बनना है। तब से 2021 नवंबर से मैं रेगुलर होने की कोशिश करती हूँ। मैं सुबह 5 बजे का सत्संग भी लगाती हूँ। पहले मैं सुबह शाम जोत जगाकर पाठ कर लिया, इसे ही अपनी भक्ति समझती थी। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से मेरे बहुत डाउट क्लियर हुए हैं कि जो भक्ति है वो बुढ़ापे के लिए है, इसके लिए घर पर छोड़ना पड़ता है। ये महाभारत की कथा है, अगर घर में सुनाएंगे सुनेंगे तो घर में अशांति होती है। ये डाउट मेरे क्लियर हुए हैं। मैंने जब पहली रीडिंग की ना तो कहते थे कि कर्म की इच्छा नहीं करनी, फिर मैं कहती थी आप कैसे कहते कर्म की इच्छा नहीं करनी, हमने बचपन से ये सुना है, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे पढ़ लो अच्छे नंबर आएंगे, हम तो जो भी कर्म करते हैं फल की इच्छा के साथ करते हैं, ये कैसे हो सकता है। और दूसरा जो है भी भगवान जी, वो मैं कहने में भी मतलब नहीं दिल करता, वहां लिखा है भगवान जी ने भी, मैं इसमें भी हूँ, मैंने कहा भगवान जी भी मैं बोलते हैं, हम उनका अंश है। पर चलो अब ये सारे डाउट क्लियर हुए हैं। जो अब इस बार मैंने भगवद गीता की रीडिंग की है ना, उसमें मेरे खुद रिश्तेदार भी कहते हैं कि आप में बहुत चेंज आया है। परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ कि भगवद गीता हम पूरी होश में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं तो भगवद गीता तो पहले होता था 18वां अध्याय सुना दो जी, जब उसको बंदे को होश नहीं होती। पहले मेरे में बहुत उथल पुथल रहती थी, मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं रहता था। अब मेरे मन में शांति आ गई है भी, अब मेरा भटकाव नहीं होता। ये सब कुछ मैंने श्रीमद् भगवद गीता से सीखा है। मैंने श्रीमद् भगवद गीता जब पढ़ी तब मुझे पता चला कि जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, ये 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को अपने श्री मुख से सुनाया था। ये ज्ञान हम बुद्धि से नहीं, प्रभु कृपा से, ईगो छोड़कर, हम्बल होकर, शंका रहित, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा के शरणागत होकर ही समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी को जीवन जीने का तरीका बताती है। ये सभी के लिए है जरूरी। पढ़ने से ही हमें पता चला है कि मनुष्य जीवन मिलना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पढ़ने से पहले ये भी नहीं पता था कि असल में हम हैं कौन, हम सिर्फ शरीर की पहचान का पता था। अब पता चला है कि हम सोल हैं और सोल कभी मरती नहीं। जो चेंजेस आते हैं वो शरीर में आते हैं। हमें संभाव रहना है, हमें मृत्यु से डरना नहीं। हमने जो भी कार्य करने हैं खुशी से करने हैं, क्योंकि कर्मों से तो हम भाग नहीं सकते, क्योंकि भगवान सफलता या असफलता नहीं देखते, वो हमारा प्रयास और भाव देखते हैं। जो भी कर्म करना है वो भगवान के साथ जुड़कर, अटैच होकर, उनको अपनी बुद्धि में बिठाकर, जब भी हम ड्यूटीज करेंगे वो ही हमारे कर्म जो है पूजा बन जाते हैं। जो हमने खाना पीना पहनना या जो भी यूज करना है वह उसे भगवान को समर्पित करना है, और बाद में उसे हमने प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। जो भी परमात्मा ने हमें साधन दिए हैं, फैसिलिटीज दी हैं, जब हम उन्हें परमात्मा को साधना में और जन कल्याण के लिए लगाएंगे तब भी वो भक्ति में आ जाते हैं। इस भावना से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और जब हम खुद के भोग में ही लगाएंगे तो हम कर्म बंधन में बंध जाएंगे। अगर हमें अच्छे बुरे कर्मों में लगेंगे तो उन्हें भुगतने के लिए हमें जन्म मरण के चक्कर में ही रहेंगे। हमें कमल के फूल की तरह इस संसार में कीचड़ से बचकर रहना है। परमात्मा हर जगह विद्यमान है, जल के स्वाद में, सूर्य की रोशनी में, हर जगह हम अपने आप में हर जगह देख सकते हैं भगवान ने हमें क्या क्या दिया। हर जगह भगवान विद्यमान है। भगवान से बचकर
हम कोई कार्य कोई भी कर्म नहीं कर सकते। अगर ये बात हम याद रखेंगे तो हम बुरे कर्म करने से बच जाएंगे। और जो हमारे में पहले थी ना डिस्ट्रक्टिव, जो भी हम काम करते थे वो छोड़कर उसको स्पिरिचुअलिटी में लाना है। आपने बड़ा अच्छा मॉडल बनाया है, ABCD मॉडल, कंप्लीट हेल्थ इक्वल टू कंप्लीट हैप्पीनेस, के जो पांच कंपोनेंट्स है, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियली हेल्थ। हम सही बात है भी हम फाइनेंशियली हेल्थ को सबसे पहले जो है देखते थे, जबकि अब पता चल गया है भी हमने स्पिरिचुअल हेल्थ को देखेंगे तब भी हमारा मन में काबू आएगा। उसी अगर मन काबू आ गया, मन बुद्धि जो है वो कंट्रोल में होगी, तो हमारी फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ ठीक होगी, इसके साथ ही हमारी फाइनेंशियली हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। जो फोर पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के हैं, उसमें हमने सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार बहुत अच्छा हम इसमें समझ रहे हैं कि सत्संग है भगवान के जुड़ने वाले लोगों का संग करना, और साधना करनी है भोग लगाना, नाम जाप करना। सेवा में जब भी हम कोई जन कल्याण कोई भी काम करते हैं, हम अपने आप को निमित्त मात्र समझ कर कि भगवान ने दिया, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और सदाचार में अच्छे हमने अच्छा बिहेवियर करना है, किसी का दुख नहीं दुखाना, किसी को धोखा नहीं देना, ये बातें सीखी हैं। पहले जब बच्चों की शादी हो गई थी ना, तो हम महसूस करते थे कि हमारी जीवन कुछ नहीं, अब फ्री हो गए हैं, अब क्या है खाना पीना। अब पता चला है कि अब तो जीने का मजा अलग ही है। भक्ति में इतनी रुचि हो गई है कि मुझे तो अपना नशा हो गया सत्संग का। मैं सही में बताऊं, मुझे होता भी 5 बजे से पहले पहले मेरी नींद खुल जाए। अगर मेरी तबीयत भी ठीक रहना हो तो मैं हेडफोन लगाया होता है, कभी नींद भी आ जाए ना उसमें मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ। मेरी जो है, मेरा अब बेटा भी इसके साथ लग गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। मैंने सुनीता गुप्ता जो मेरे मासी जी है उनको बोला, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपनी भाभी भी काफी चेंज बन गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी सभी कह रहे हैं कि हम में चेंज आई है, पर मेरे में तो अब मेरे भाई बहन भी कह रहे हैं भी दीदी आप में काफी चेंज आया है, आप पॉजिटिव रहते हो हर बात पे। अब मुझे कोई कुछ कह दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं 15 दिन सोचती रहती मुझे उसने ये कह दिया, क्यों कह दिया, अब मैं कहती कोई बात नहीं, कह दिया उसको, ये महसूस हुआ होगा उसने बोल दिया, जब उसके पास जो था उसने मुझे दे दिया, कोई बात नहीं। अब मैं यही कहूंगी भी परमात्मा मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, मुझे शुद्ध भक्ति देना, मैं जो भी कर्म करूं आपके साथ जुड़कर करूं, और जो भी करूं आपको अर्पित करके करूं। अब यही है भी शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन है आश्रित प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। निखिल जी आपने जो किया, हम तो कह रहे हैं ना अब इजी से अब पता चल रहा है भगवान की शक्ति से, पर इसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत आप बता रहे हो, तो मैं पता चल रहा है कि इतनी मेहनत है भी आपने बीज बोया, पेड़ बना, उसके फल हम खा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अब मेरी यही ख्वाहिश है कि भी मैं भी सेवा करूं, और जो ये कर्ज है बहुत ज्यादा कर्ज लग रहा है भी। हरी हरी बोल निखिल जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो हमारा परिवार काफी जुड़ गया है जिससे उम्मीद नहीं थी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, ये रास्ता चमत्कारों का है ना, इसमें मैं तो खुद उम्मीद नहीं थी कि हम कभी कोई डिवोशन में चल पड़ेंगे, है ना। लेकिन रत्नाकर डाकू को कहां उम्मीद होगी कि वो एक दिन वाल्मीकि ऋषि बन जाएंगे। कुछ भी हो सकता है इस रास्ते में, कुछ भी हो सकता है। बड़ा अच्छा लगा माधु जी आपको सुन के भी, और बड़ी प्राउड मूवमेंट होती है आपकी डॉटर इतना अच्छा कर रही है डिवोटीज को गाइड, और आप में अंदर अब सेवा भाव आ गया है, हरिनाम कर रहे हो, पूरी फैमिली को आप भी इंस्पिरेशन बन गए हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के कि अंकल भी कर रहे हैं डिवोशन, और आप कह रहे हैं बेटा भी आपका डिवोशन कर रहा है, तो आसपास भी मासी जी और बाकी रिलेटिव में बदलाव आ रहे हैं, तो वेरी नाइस। जीवन का लक्ष्य आपने बना लिया है, सेवा को लक्ष्य बना के चलिए। नशा लगना सत्संग का, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नशा तो सबको कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, किसी को टीवी सीरियल का लगा हुआ है, किसी को चुगली का लगा हुआ है, लगा तो हुआ है, लेकिन सत्संग का नशा मतलब विशेष कृपा, मतलब मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, बस इसको तोड़ना नहीं है ये लगन को। लगन बढ़ती जाए आपकी, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, हमें ब्लेसिंग्स देते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी,
अब मेरा टीवी बिल्कुल छूट गया है, अब टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती, दिल ये छोड़ा नहीं है, छूट गया है, मैंने छोड़ा नहीं, किट्टी पार्टी बिल्कुल कांटा हो गई है। अब तो टीवी मतलब दिल करता है भी अब ना कोई सत्संग लगा लूं और सुन लूं, आपकी बातें सुनने को इतना मन करता है भी, अब तो बस मंजिल की तरफ बढ़ गए हैं, और मैं भी सेवा करनी चाहती हूँ कोई ना कोई। बिल्कुल ऐसे ही आप चलते रहिए, जरूर सेवा की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पहली सेवा आपकी है कि आप खुद सत्संग साधना सेवा में अच्छे से चलो और नताशा जी के साथ सत्संग में सपोर्ट करो, उनको यहाँ पे रिव्यूज देते रहो, डिवोटीज को इनकरेज करो ज्वाइन करने के लिए, राइट। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीखो, टेक्नोलॉजी सीखोगे कितनी सारी सेवा की अपॉर्चुनिटीज आपको आती रहती है, आप सबको टाइम नताशा जी आपको गाइड करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, बहुत आनंद आया, ऐसे ही आपने चलते रहना है मधु जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नताशा जी आप कुछ कहना चाहते हो? हरी बोल भैया, बिल्कुल कहना चाहूंगी। मम्मा ने एक्चुअली हमारे वहाँ घर पे इतना माहौल ऐसा तो नहीं था कि बड़े बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे, लेकिन मेरे मदर मुझे जरूर बचपन से ही ना व्रत जरूर करवाते थे। मैंने मेरी व्रत की हैबिट बचपन से ही मम्मा ने डेवलप करवाई है, चाहे मैंने कोई व्रत नहीं छोड़े हुए, चाहे सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, बुधवार का व्रत हो। एक नहीं अब तो ये देखिए बेसिक थोड़ा धार्मिक तो होते हैं इंडिया में सब लोग। हाँ जी बोलिए। जब और उसी के आगे मैं जब बात आपको बता रही हूँ कि जब मेरे मेरा बेटा हुआ सात्विक, तो कुछ दिन का ही था, 5 दिन का, मम्मा मेरे पास रहने आए हुए थे, तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी आत्मा मेरे मम्मा पता नहीं कौन सी आत्मा ना मेरे घर आ गई है। तब इन लोगों ने इतना मजाक बनाया मेरा, कहते ये लगता है पागल हो गई आत्मा वात्मा की बातें कर रही है। और इतनी मुझे खुशी हुई आज ये आत्मा के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और इवन कह रहे हैं ना मम्मा, कह रहे हैं मेरा भाई भी जुड़ा है, ये दोनों मिलके मेरा बहुत मजाक बनाते थे। तो आज मुझे इतनी खुशी हुई है कि इतने अच्छे से डेडिकेशन से वो जुड़े हैं और सेवा करना चाहते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हरी बोल। वीडियो जो देख लिया आपने, साक्षात्कार हो गया आपको, क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट एंड फॉलोइंग, राइट, हो गया वो लाइव हो रहा है, राइट। चलिए वेरी नाइस, बहुत आनंद आया आप सबके विचार जाने, ऐसी इसको हम सिलसिले को कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपने किसी को भजन सेवा दी हुई है नताशा जी? हाँ जी भैया, पर्ल जी पल्लवी जी की बेटियां, वो आज का भजन गाएंगी। वेरी नाइस, प्लीज आप भजन सुनाए बेटा हमें। गॉड ब्लेस यू। हरी बोल। मैं पर्ल महाजन और मेरा भाई दीक्षित महाजन पठानकोट से। भगवत गीता से जुड़कर हमने यह सीखा कि जब हम हर काम कृष्णा जी को याद करके और उनकी सेवा करके उनसे प्रेम करेंगे, तभी हमें रियल और परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। आज का भजन भी इससे ही रिलेट करता है। हरी हरी बोल। Yeah.
थैंक यू बेटा, वेल डन, क्लैपिंग, वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छे से आपने हमें बहुत प्यारा भजन सुनाया और बिल्कुल सच कहा आपने। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? भगवान की चरणों में मिलता है। वेरी नाइस टू मीट यू। आपका नाम क्या है? पर्ल। यस। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल नेम। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? सिक्स। अच्छा, वेरी नाइस। ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे, हमेशा हैप्पी रहो और हैप्पीनेस को स्प्रेड करो। बेटा आपका नाम क्या है? दीक्षित। दीक्षित, बहुत अच्छा लगा। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में। बेस्ट विशेस, बी अ बेटर गुड ह्यूमन बीइंग एंड बी अ गुड डिवोटी। हरी हरी बोल। बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल,
हरी बोल। पल्लवी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही घर घर मंदिर हर मंदिर बनता है। थैंक यू, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। थैंक यू। तो आज के आनंद की जय हो। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे।